गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। टुडे इज योर रिवीजन टेस्ट। ओके, मैंने ये सब आपको पहले भी करवाया हुआ है, बस नंबर्स चेंज हैं लेकिन करने का तरीका आपका वही है। टुडे इज ए 24th August 2020 एंड ए मंडे। रिवीजन टेस्ट इसे आपको कॉपी में करना है, क्लास वर्क कॉपी में, ठीक है। और आपको सबमिट करना है, अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिखना मत भूलिएगा। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर इन द टेंस एंड वंस। राइट द नंबर्स इन टेंस एंड वंस। फर्स्ट नंबर इज 45। अब आपको पता है टेंस कौन सा होगा इसमें और कौन सा नंबर वंस होगा। ओके, सेकेंड नंबर इज 64। इसमें भी आपको पता है टेंस हमारा नंबर कौन होगा और वंस भी। ओके, सेकेंड, मैच द नंबर नेम टू द नंबर्स। मैच द नंबर नेम टू द नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा नंबर नेम्स, एंड ये आपका क्या हो जाएगा नंबर। ओके, फर्स्ट नंबर नेम इज 21, तो वेयर इज 21, चेक एंड मैच इट। ओके, सेकेंड नंबर इज, नंबर नेम इज 63, थर्ड नंबर नेम इज 58 एंड फोर्थ नंबर नेम इज 79 एंड फिफ्थ नंबर नेम इज 13। ओके, और आपको पैच करना है यहाँ पे करेक्ट नंबर से। थर्ड क्वेश्चन है, कलर द शेप विच हैज़ बिगर नंबर। कलर द शेप विच हैज़ बिगर, ये आपका शेप में बना हुआ है, इसमें आपका जो बिगर नंबर होगा उस पर आपको क्या करना है, कलर करना है ए और बी दोनों में। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। अब आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 + 6 + 6, 3 + 6 को ऐड करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, हमें यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट 5 × 3, तो 5 × 3 जा क्या होता है, हमें ये लिखना रहेगा। 4 × 5 = 8, 4 का टेबल 5 से पढ़ेंगे क्या आंसर आएगा, ये लिखना रहेगा। 4 × 5, तो 4 × 5 जा क्या आएगा, यहाँ पे हमें उसका आंसर लिखना रहेगा। 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 1 2 3 4 5, 5 times हमारा क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे ऐड करने पे क्या आंसर आएगा, हमें वो लिखना है। 6 × 6 = 8, 6 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे जो आंसर आएगा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे आंसर। स्टोरी प्रॉब्लम, सोनू हैज 9 शर्ट्स, ई शर्ट हैज 5 बटन। सोनू हैज 9 शर्ट, ई शर्ट हैज 9 बटन। सोनू के पास कितनी शर्ट है, 9। ई शर्ट कितनी है आपकी, 5 बटन है। हाउ मैनी बटन्स आर देयर टुगेदर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आप कर लीजिएगा। सेकेंड, देयर आर 4 कैट्स इन अ हाउस। देयर आर 4 कैट्स इन अ हाउस, ईच कैट हैज़ 5 पपीज। हाउ मैनी पपीज आर देयर इन ऑल, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, आपको 5 कितने टाइम्स में ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, ठीक है। 6 टाइम हमारा क्या है, 5 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है, ये हमारा एडिशन फॉर्म लिखा है, ये मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको पता है, और यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टेबल ऑफ 7, 8 and 9, आपको 7 की टेबल, 8 की टेबल एंड 9 की टेबल लिख के दिखाना है। ओके,